आज कुछ वास्तु टिप्स की चर्चा करूंगा, कुछ वास्तु के बारे में बताऊंगा, और अनावश्यक भय है क्या है उसका निवारण इस पर भी चर्चा करूंगा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज मृगी के रोग है क्या नुस्खा है इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आज की पंचांग की चर्चा करते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2068 वैशाख मास की दो प्रविष्टि सक्षम 1933 चैत्र 25 तदनुसार शुक्रवार 15 अप्रैल 2011 प्रातकालीन उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा सिंह राशि। आज का राहुकाल प्रातः 10:30 के 12 बजे और राहुकाल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, लेकिन यदि कैरियर को लेकर जबरदस्त उठापटक है तो राहुकाल के दौरान श्रद्धानुसार जौ गरीब कन्याओं में बांट दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा, या अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। नमन पर बात करते आज की यात्रा। आज पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय। आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व दही खाकर यात्रा पर जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन और बात करते प्रातकालीन लगन। प्रातकालीन लगन मेष लगन, लगन में सूर्य मंगल बुध और बृहस्पति मीन राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि कन्या राशि में, राहु धनु राशि में, केतु मिथुन राशि में, यह ग्रहों का भ्रमण पर। अरे भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशि फल की जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित। उससे पहले हर रोज की तरह आज का गुरु मंत्र। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज घर में सदस्यों में तनाव बहुत रहता है, घर का मालिक हमेशा तनाव में रहता है, तो सबसे पहले घर के मुख्य आंगन का फर्श देख लीजिए। यदि घर का मुख्य आंगन का फर्श टूटा हुआ है तो घर का मुखिया हमेशा तनाव में रहेगा, इसको ठीक कर दीजिए, तनाव से मुक्त हो जाएंगे। यह अद्भुत प्रयोग है, करके देखेंगे आपको लाभ मिलेगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों दरवाजे का और खिड़कियां मैं चाहता हूं एडिटिंग नहीं हो लेकिन तुम एडिटिंग करवाए दे। नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं। यदि घर का मुखिया तनाव में है तो घर के मुख्य द्वार के दोनों दरवाजे और खिड़कियां टूटे फूटे तो नहीं, इसको भी देख लेना चाहिए। यदि घर का मुखिया और घर के पारिवारिक सदस्य तनाव में है, घर के सामने वाल की दीवार जो सामने घर के सामने की दीवार टूटी तो नहीं, यदि घर के सामने की दीवार टूटी हुई अपने तो मुकदमे और सरकारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता। यदि घर में कमरों की मरम्मत ठीक ढंग से नहीं की गई है तो भी गृह स्वामी तकलीफ में रहेगा, अनावश्यक खर्चा बढ़ जाएगा, मान सम्मान में कमी आएगी। ये बहुत जरूरी है, इसको देख लेना कि घर का मुखिया तनाव में क्यों, ये उपाय बताओ। यदि घर का मुख्य द्वार छोटा है और पीछे का द्वार बड़ा है तो वहां उस घर में रहने वाले लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर और खिड़कियों की चारों तरफ का प्लास्टर टूटा है तो घर में महिलाओं को अधिक नुकसान है, उस घर में रहने वाली महिलाओं को कोई ना कोई नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक बात और मैंने देखी कि रसोई घर और सैन्य कक्ष की दीवार पर अच्छी तरह से प्लास्टर ना है और प्लास्टर टूटा है तो पति पत्नी के जो प्रेम और मिलन की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, वो शांति से साथ बैठ ही नहीं पाएगी, हमेशा कहीं ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत रसोई घर और शयन कक्ष की दीवार अच्छी तरह से प्लास्टर और उस पर पेंट होना चाहिए। बेडरूम में कभी वाश बेसिन नहीं होना चाहिए, यदि बेडरूम में वाश बेसिन रहे तो पति पत्नी में हमेशा शंका की शिकायत रहती है, हमेशा शंका की शिकायत रहती है। बेडरूम में अटैच बाथरूम है और उस बाथरूम में यदि वाश बेसिन है तो कोई बात की चिंता नहीं है, लेकिन यदि बेडरूम में बाथरूम है तो यह शुभ नहीं माना गया, इसको अपना के देख लो। छोटी छोटी मेरी वास्तु टिप्स है, मैं कोई बहुत बड़ा वास्तुविज्ञ नहीं हूं लेकिन मेरे अनुभव को मैं आपके सामने बांटने आता हूं, और मैं एक बात जरूर कहता हूं सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। छोटी छोटी मेरे उपाय इनको अपना के देखे जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन और बात करते हैं राशि फल की। मेष राशि परिश्रम के बावजूद भी कार्य क्षेत्र की स्थिति मध्यम रहेगी, धन की आवश्यकता महसूस करेंगे और लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आज मौका मिलेगा लाभ प्राप्ति का भी। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि।
वृषभ राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, आज अपने भावों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और नैतिकता दामन पकड़ के रखना होगा। पारिवारिक बंटवारे को लेकर थोड़ा कलह है, स्त्री पक्ष का विरोध झेलना पड़ सकता है, परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, भूमिवान हानि की प्रबल संभावना, थोड़ा सा ध्यान रखें। छोटा सा उपाय, ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्रायन, शुक्र के बीज मंत्र का जाप, दही का दान किसी मंदिर में जाकर करके आइए, बहुत लाभ मिलेगा। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संग शास्त्र और प्राकृतिक क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी। अनुज और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही धन लाभ होगा, छोटी मोटी यात्रा करने से भी आज आपको लाभ मिलेगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, जिस तरह के घर योगा योगे, आज हाथ पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अनावश्यक खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, कार्यस्थिति सामान्य, वाणी और व्यवहार को नियमित रखना बहुत जरूरी, अन्यथा कार्यक्षेत्र में असुविधा हो सकती है। अपनों का असहयोग और खान पान में रुचि बढ़ेगी, लेकिन बहुत जरूरी है दोपहर 3:30 बजे के बाद खान पान में सावधानी बरते, स्वास्थ्य प्रतिकूल से डरा नहीं रहा भाई, वाणी को संयमित रखें, खर्च पर अंकुश रखें और खान पान पर भी थोड़ा दोपहर के बाद ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गोचर सफलता का संकेत दे रहा है, बिगड़े कार्य सुधरने का अवसर प्राप्त होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन वृद्धि और आज मनोकामना सिद्ध होगी। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, सितारों की चाल संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा में खर्चा हो सकता है, मानसिक उत्तेजना बनी रहे, शुभ कार्य स्थगित करना उचित होगा और अपनों का असहयोग और मान सम्मान की भी चिंता शाम से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक गोचर थोड़ा सा मतलब छोटा सा उपाय, ये बहुत जरूरी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, इस मंत्र का जाप करिए, कष्ट से छुटकारा मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि लोग, समय अनुकूल सुफलों की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, घूमने फिरने और मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, दूर देश से नए व्यवसायिक अनुमोदन मिलेंगे और आज कारोबार की परिवार की और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति भी अनुकूल रहेगी। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि ग्रह की स्थिति अनुकूल है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, समय अनुकूल धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और आध्यात्मिक झुकाव रहेगा, आज ओकल्टम साइंस की ओर विशेष झुका रहेगा, हाँ व्यवसायिक यात्रा लाभदायक और सामाजिक कार्य में रुचि भी बढ़ेगी। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, सितारे थोड़े से मध्यम है, वाणी में संयम रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना होगा, अपने अहम और अपने क्रोध पर काबू करना होगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी है, गैरकानूनी कार्य और अनर्गल बयानबाजी से नहीं बचे तो दंड की प्रबल संभावना है, नुकसान की प्रबल संभावना है और ये गोचर सुबह से लेकर शाम तक। मकर राशि वालों, थोड़ा सा संयमित रहे, हड़बड़ नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, छोटा सा उपाय है, नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमागर्दम छायामार्तम संभूतम तम नमामि, एक तेल का दीपक पीपल के पेड़ में जला दीजिए, इस मंत्र का जाप करिए, कल्याण होगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल अपनों से सुख और सहयोग की आशा कर सकते हैं, नई मित्रता लाभप्रद रहेगी, आमोद प्रमोद और मनोरंजन में समय लगेगा, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिला और आप नौकरी में हैं तो आज आपका प्रमोशन या मनो अनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना, धन लाभ भी होगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय अनुकूल सुख के साधनों का उपयोग करेंगे, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में आप विजय होंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा और आज का दिन बहुत शकुन और शांति से बीतेगा। नमन और बात करते हैं आज के उपाय। यदि अनावश्यक भार है, किसी न किसी बात को लेकर आप भयभीत होते रहते, काम में मन नहीं लग रहा, हमेशा किम करते हुए मूड की अवस्था बनी रहती, मन हमेशा विचलित रहता है, शनिवार दिन 7 गोमती चक्र ले, गंगा जी से पवित्र करें, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप, किसी सुनसान स्थान में जाकर इस गोमती को अपने ऊपर से 11 बार उतार पीछे फेंका, बिना पीछे देखे घर आ जाए, ऐसा करने से आपकी सारी समय और ऐसा लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, शनिवार शनिवार सफलता मिल जाएगी। नमन और बात करते हैं नुस्खों। यदि मृगी का रोग है, 250 ग्राम अंगूर का रस नियमित पिलाने से इसमें राहत मिलेगी, ब्राह्मी बूटी को पीसकर 1 चम्मच रस निकाले और दिन में 3 बार पिला दीजिए, मिर्गी में ये रामबाण की तरह काम करेगा, ये नुस्खा कभी खाली नहीं गया और ये सारे नुस्खे सारे उपाय और टोटके और गुरुमंत्र आपको www.swaminam.in पे मिल जाएंगे। आज इतना ही, कल
शनिवार के दिन और देवदेव शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए ये उपाय बताओ, और ये है आर्थिक हानि तो क्या उसका निवारण है, इस पर भी चर्चा करूंगा। नमो नारायण।